हेलो फ्रेंड्स, हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि कौन सा मेडुला ऑब्लोगेंटा का इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे मेडुला ऑब्लोगेंटा का एक्सटर्नल पार्ट, उसके बाद इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल फीचर के टोटल 12 पॉइंट है। अगर 12 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए तो पूरा एक्सटर्नल फीचर मेडुला ऑब्लोगेंटा का क्लियर हो जाएगा। ये 12 पॉइंट आज हम क्लियर करेंगे, जिससे एक्सटर्नल फीचर मेडुला ऑब्लोगेंटा का आपका क्लियर हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर आप मेडुला ऑब्लोगेंटा का फर्स्ट पॉइंट। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हॉल्स बाय द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियन फीचर। जो मेडुला ऑब्लोगेंटा है वो बीच में से दो भाग में डिवाइडेड है। उन भाग का नाम क्या है? इंटीरियर और पोस्टीरियर मीडियन फीचर। जैसे कि डायग्राम में बताता हूँ इस पॉइंट को मैं। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। इस डायग्राम में ये हो गई इंटीरियर मीडियन फीचर। इसके जस्ट पीछे, यहाँ से इसके जस्ट पीछे क्या होगी? पोस्टीरियर मीडियन फीचर। इंटीरियर मीडियन फीचर ये है, तो ये इधर आधा और इधर आधा, और पोस्टीरियर इसके पीछे रहेगी तो पोस्टीरियर से आधा इधर और आधा उधर। इंटीरियर मीडियन फीचर और पोस्टीरियर मीडियन फीचर से डिवाइडेड है। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियन फीचर से मेडुला ऑब्लोगेंटा दो भाग में डिवाइडेड है। द इंटीरियर मीडियन फीचर एंड्स इन फोरामेन सिकम, इट इट्स जंक्शन विद द पॉन्स। इंटीरियर मीडियन फीचर कहाँ पर एंड हो रही, खत्म हो रही है? जहाँ पर फोरामेन सिकम है, और जंक्शन विद पॉन्स, जहाँ पर पॉन्स के साथ जंक्शन हो रहा है मेडुला का, पोन्स का और मेडुला का जंक्शन हो रहा है, वहां पर इंटीरियर मीडियन फीचर खत्म हो रही जाके। डायग्राम में देखते हैं इस पॉइंट को भी। यहाँ पर ये फोरामेन सिकम, ये पोन्स और मेडुला ऑब्लोगेंटा के बीच के जंक्शन, बीच का जंक्शन, और फोरामेन सिकम जहाँ पर है वहां पर इंटीरियर मीडियन फीचर एंड हो रही है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। Each half it is further divided into interior lateral and posterior region by the intralateral and posterolateral. पहले हम इंटीरियर मीडियन फीचर को देखेंगे। इंटीरियर मीडियन फीचर के दो पार्ट है, लेटरल साइड में डिवाइडेड है। इंटीरियर मीडियन फीचर डिवाइडेड है लेटरल साइड में, और पोस्टीरियर भी डिवाइडेड है पोस्टरोलेटरल सल्काई में। ये इंटीरियर मीडियन फीचर है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होंगे, ये लेटरल सल्काई होगी, इंटीरियर लेटरल सल्काई, इंटीरियर लेटरल सल्काई, और इसके जस्ट पीछे रहेगी वो पोस्टीरियर लेटरल सल्काई, पोस्टीरियर लेटरल सल्काई, ऐसे ही जस्ट, ठीक है। तीन पॉइंट क्लियर हो गए ना। अब द इंटीरियर रीजन ऑन इधर साइड ऑफ द फीचर इज फॉर्म्ड आप ए लॉन्जिट्यूडनल एलिवेशन कॉल्ड द पिरामिड्स। द इंटीरियर रीजन, जो इंटीरियर मीडियन फीचर है और इंटीरियर रीजन है जो आगे से दिख रहा है, और आगे से दिख रहा है वो इच साइड फीचर फॉर्म्ड, फीचर का इसे बनी होती है लॉन्जिट्यूडनल एलिवेशन। लॉन्जिट्यूडनल एलिवेशन है मतलब लंबे लंबे तागे हैं, जिसको हम पिरामिड्स कहते हैं। ये इंटीरियर है, इसके जस्ट पीछे ऐसा ही पिरामिड से बना हुआ है, इसके जस्ट पीछे भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, तो ये इंटीरियर है, इसके जस्ट पीछे पोस्टीरियर होगा। तो ये कहना क्या जा रहा है, ये जो फाइबर है इनको बोलते हैं पिरामिड्स, लॉन्जिट्यूडनल इनको बोलते हैं पिरामिड्स, पिरामिड्स ये लिखा हुआ भी पिरामिड्स, ठीक है। द पिरामिड इज मेड ऑफ द कार्टिको स्पाइनल एंड कार्टिको बुलर फाइबर्स। जो पिरामिड्स है काई के बने होते हैं, कार्टिको स्पाइनल और कार्टिको बुलर फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। इन द लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला, जो मेडुला का लोअर पार्ट है, मेनी फाइबर्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट पिरामिड्स क्रॉस इन द मिड लाइन फॉर्मिंग द पिरामिडल डिस्कशन। क्या बोल रहा है ये जो मेडुला का लोअर पार्ट है, यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं डिस्कशन ऑफ पिरामिड्स। ये रेड रेड दिख रहा है, यहाँ पर फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं, तो इनको बोलते हैं डिस्कशन ऑफ पिरामिड्स, लोअर पार्ट मेडुला के लोअर पार्ट में। द अपर पार्ट ऑफ द लेटरल रीजन शो इन ओवल एलिवेशन द ओवल लाइन। जो अपर पार्ट है
मेडुला का अपर पार्ट है, जो मेडुला का अपर पार्ट है ना, वहाँ पर अपर पार्ट द लेटरल रीजन शो अप ओवल एलिवेशन द ओल्वराई। जो अपर पार्ट है जो ओवल शेप अंडाकार होता है, ये लेटरली साइड जो दिख रहा है, ये लेटरली साइड, ये ओवल शेप है, अंडाकार शेप है, जो गोल गोल हो रहे हैं, आगे से जाके आगे गोल बन जाते हैं, एलिवेशन बढ़ाते हैं, गोल एलिवेशन। द रूट लेट्स ऑफ द हाइपोग्लाइशियल नर्व 12 एमरेज फॉर्म द इंट्रोलेटरल सल्काई बिटवीन द पिरामिड्स एंड द ओल्वलाई। जो ओल्वलाई बना रहा है और पिरामिड्स दोनों के बीच से हाइपोग्लाइशियल नर्व निकलती है, जो 12 क्रेनियल नर्व है। द रूट लेट्स ऑफ द क्रेनियल नर्व ग्लाइसोफेरिंजियल नर्व एंड एसेसरी नर्व एमरेज थ्रू द पोस्टोलेटरल फिशर बिहाइंड द ओल्वलाई। ये जो 9th क्रेनियल नर्व और 11th क्रेनियल नर्व है, ये पोस्टोलेटरल फिशर के बिहाइंड और ओल्वलाई के पीछे से निकलती है। ये देखो, ये तो यहाँ से ओल्वलाई के आगे से निकल रही है, लेकिन ये क्रेनियल नर्व पीछे से निकल रही है, एसेसरी नर्व हो रही है। ये हाइपोग्लोसियल तो आगे से निकल रही है यहाँ से, और ये दोनों पीछे से निकलती है यहाँ से। द पोस्टीरियर रीजन लाइज बिटवीन द पोस्टोलेटरल सल्काई एंड द पोस्टीरियर मीडियन फिशर। जो पोस्टीरियर रीजन है वो लाइज बिटवीन द पोस्टोलेटरल सल्कस एंड पोस्टीरियर मीडियन फिशर के पीछे होता है। इसके दो पॉइंट और है। द अपर पार्ट ऑफ दिस, मतलब अब पोस्टीरियर देख रहे हैं अपन, इसके पीछे वाला इंटीरियर देख लिया था, अब पोस्टीरियर देख रहे हैं। द अपर पार्ट ऑफ दिस रीजन इज मार्क बाय द वी शेप्ड। वी शेप्ड का होता है पोस्टीरियर रीजन। जो डिप्रेशन वी इज द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। जो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है वी शेप्ड। बिलो द फ्लोर वी सी थ्री लॉन्जिट्यूडिनल एलिवेशन। उसके नीचे तीन लॉन्जिट्यूडिनल एलिवेशन होते हैं। इसके बाद देखेंगे आप इंटरनल फीचर्स आप मेडुला ऑब्लोगेंटा। ये 12 पॉइंट है पूरे, ये क्लियर कर ले। एक्सटर्नल फीचर मेडुला ऑब्लोगेंटा का आपका क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।